नमस्कार, विनय क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक्सरसाइज 16.1, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, बगैर ढक्कन का एक संदूक 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। उसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। इसके अंदर की ओर रंग करने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि रंग कराने की दर जो है वो 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो, प्रश्न को समझना है। पहले प्रश्न में हमें ये सारी जो है, ये हमारे पास में एक संदूक है, बाहर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। और ये जो संदूक है वो बिना ढक्कन की है, यहाँ पर ढक्कन नहीं है, बिना ढक्कन, ठीक है। और इसके साथ ही ये 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ से 3, यहाँ से 3, दोनों ओर से 3-3 सेंटीमीटर मोटा है, मोटी लकड़ी का बना हुआ है। और हमें अंदर की ओर कलर करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कम हो जाएगी। नीचे भी 3 सेंटीमीटर ऊपर आया हुआ है, इसका मतलब नीचे भी ये 3 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ ढक्कन नहीं है, ठीक है। तो उसका यहाँ इफेक्ट पड़ेगा कैसे, अभी पता चल जाएगा। और अंदर की ओर कलर करना है, इसका मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बदल जाएगी, ठीक है। बाहर का माप दे रखा है, अंदर का माप ज्ञात करना है। तो हमें क्या दे रखा है वो हम पहले लिखेंगे। संदूक, यहाँ लिखेंगे संदूक का बाहरी माप, जो बाहरी माप है उसकी लंबाई हमें दे रखी है, लंबाई बराबर 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें दे रखी है 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दे रखी है 83 सेंटीमीटर। अब संदूक के अंदर का माप ये हमें निकालना है। तो ध्यान देना, लंबाई जो होगी वो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, तो लंबाई जो होगी उसमें 146 में से 3 सेंटीमीटर, देखो ये लंबाई है, तो ये लंबाई है, तो यहाँ से ये 3 कम हो गई, यहाँ से भी ये 3 कम हो गई, ठीक है। तो 3 माइनस 3 यानी 6 कम हो जाएगा, यानी माप आएगा आपके पास में 140 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। चौड़ाई भी ऐसे कैसे गायब हो जाएगी, देखो यहाँ से ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, यहाँ से चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर, इधर से भी चौड़ा और इधर से भी चौड़ा है, यानी 3 और 3 इसमें भी कम हो जाएगा। तो क्या हुआ, देखो 116 माइनस 3 माइनस 3 यानी कितना आ गया, 110 सेंटीमीटर। और ऊंचाई देखो, नीचे तो है ढक्कन, ऊपर लगा हुआ ढक्कन नहीं है, यानी नीचे की माप, नीचे से वो 3 सेंटीमीटर मोटा है, ये ध्यान रखना, 3 सेंटीमीटर मोटा है लेकिन ऊपर से नहीं है, तो इसमें से 1-3 ही घटेगा, यानी कि 83 माइनस 3 यानी आ गया आपके पास में 80 सेंटीमीटर। ये अंदर का माप आपके पास में आ चुका है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, उस पर कलर करना है, लेकिन देखो ऊपर तो ढक्कन है ही नहीं, तो अब कलर कहाँ का होगा, एक तो यहाँ होगा, आगे वाली दीवार पर होगा, पीछे वाली दीवार पर होगा, इस वाली दीवार पर होगा और पैने में होगा, यानी हमारे पास 5 आयत है, उनमें कलर करना है, बाकी किस छठे वाले भाग में कलर नहीं करना है, इस ऊपर वाले भाग में कलर नहीं करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल जो हमें चाहिए वो, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, एक तो हम 4 दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल यानी 1, 2, 3 और 4, 4 दीवार, 1, 2, 3 और 4, इन चारों पर तो करना है और पैंदे में भी करना है, बीच वाले भाग में भी करना है, प्लस तल का क्षेत्रफल, ये एक नया सूत्र हमने बनाया, ध्यान रखना। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी परिमाप इंटू ऊंचाई, ठीक है, प्लस तल का क्षेत्रफल चाहिए, तो तल का क्षेत्रफल क्या होगा, ये तल है, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब मान लगाएंगे, तो 2 कोष्टक लंबाई कितनी हमारे पास में, लंबाई है 140, तो 140 इंटू चौड़ाई कितनी है, 110, 110 इंटू ऊंचाई कितनी है, 80 लगा देंगे, प्लस, प्लस का प्लस, लंबाई 140 इंटू चौड़ाई 110, गुणा करेंगे तो 2 अपनी जगह पर है, इसका और इसका गुणा, 14 एकम 14, ठीक है,
और सॉरी गुणा नहीं प्लस है, यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 250 इंटू 80 प्लस इसका गुणा करेंगे 0 0, 14 1 14 असल का 1 14 और 1 15, 15,400। इनका भी गुणा करेंगे, 2 का मैं 80 से गुणा कर देता हूँ तो बचा 250 इंटू 8 दूनी 16, 160। इसमें मुझे जोड़ना है 1500 15,400। चलो इन दोनों का मैंने जब गुणा किया तो मेरे पास आएगा 40,000 प्लस ये इसमें जोड़ देंगे 15,400। ठीक है, आगे करते हैं, इसको ये मिटा देता हूँ मैं। अब क्या हुआ देखो, दोनों को जोड़ने पर मेरे पास जो अभीष्ट क्षेत्रफल आया, अभीष्ट क्षेत्रफल वो मेरे पास आया 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रश्न में हमें एक शर्त दे रखी, क्या शर्त दे रखी है, चूंकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च जो है, जो खर्च है वो है 2 रुपये। ठीक है, इतने सेंटीमीटर का खर्च इतना है वर्ग सेंटीमीटर का, हमने टोटल वर्ग कितना निकाला 55,400, इसलिए 55,400 वर्ग सेंटीमीटर का जो खर्च है वो आएगा, 2 ऊपर रहेगा बट्टा इधर वाली संख्या नीचे रहेगी, 1000 इंटू 55,400 से क्या हो जाएगा गुणा 55,400। ठीक है, अब ये 2 0 से 2 0 तो कट गए, 2 1 2 और 5 2 10 तो बचा क्या, 5 5 4 बट्टे 5, और जैसे इसमें भाग देंगे तो 5 1 5 5 1 5। ठीक है, फिर आ गया 4 तो लग जाएगा पॉइंट और 0 8 5 40, तो उत्तर आएगा 11 सॉरी यहाँ पर हासिल टूटी 0 लगेगा, हासिल टूटी 0 पॉइंट और 8 5 40, 110.8 रुपये 80 रुपये कर देते हैं, 80 रुपये, 110 रुपये और 80 पैसे, ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना खर्च आएगा टोटल हमारा। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न है एक घनाब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो घनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न बहुत ही सरल है, ठीक है, प्रश्न में हमें दे क्या रखा है कि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसका योग तो है 19। ठीक है, प्रश्न के अंदर जो दिया है वो लिखते हैं प्रश्नानुसार, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई ये हमें दे रखा है 19, एक तो ये दे रखा है, और विकर्ण जो है विकर्ण की लंबाई वो दे रखी है हमें 11 सेंटीमीटर और ये 19 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर मैं वर्ग करूँगा तो यहाँ वर्गमूल हट जाएगा और इधर इसका वर्ग हो जाएगा, यानी आया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से तो वर्गमूल हट गया और यहाँ इस पर क्या आ गया वर्ग, यहाँ लिख दो दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ लिख देना दोनों तरफ वर्ग करने पर, एक लाइन लिख देना आप, तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 121, 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब हम एक सर्वसमिका जानते हैं, सर्वसमिका नवीं क्लास में आपने पढ़ी थी, क्या होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का अपन होल स्क्वायर करें तो इसका जो उत्तर आता है वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये इसकी सर्वसमिका है। ठीक है, अब यही सर्वसमिका जो है हमें समीकरण 1 में प्रयोग में लानी है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 के दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही समीकरण 1 के दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या होता है, देखो ये हो गया समीकरण 1, तो l प्लस बी प्लस एच इसकी जोड़ कितनी आ रही है 19 आ रही है, अब इधर भी वर्क करना और इधर भी वर्क करना, दोनों तरफ वर्क करना,
तो इसका वर्ग तो इस सर्वसमिका के अकॉर्डिंग खुलेगा, है ना। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ए की जगह एल, बी की जगह बी और सी की जगह एच आ जाएगा। तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एल बी, यानी ए बी की जगह एल बी बी एच और एच एल प्लस बी एल टू बी एल प्लस टू एल एच बराबर 19 का वर्ग करेंगे। तो 19 का वर्ग होता है अपने पास में, 19 का वर्ग क्या होता है, 361, याद रखना 361। अच्छा अब यहाँ पर देखो दो कॉमन आ रहा है पूरा, ठीक है, यहाँ भी दो है दो है दो है। तो पहले एक बार दो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ ये पूरी लाइन वापस एल स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस, यहाँ मैं दो कॉमन ले रहा हूँ, एक दो तीन, तीनों से दो कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा एल बी प्लस बी एल बी एच है, सॉरी बी एच, यहाँ एच कर देना और एल एच प्लस दो, दो तो कॉमन आ गया एल और एच, ठीक है, बराबर 361। अब देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ समीकरण दो में इसका मान दे रखा है। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 121 लिख सकता हूँ। तो इस पूरे की जगह मैं कितना लिख देता हूँ, 121 प्लस, और ये देखो दो कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच या एच एल, ये किसका फॉर्मूला है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो यहाँ लिख सकता हूँ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही हमें ज्ञात करना है प्रश्न में, ठीक है। और इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ बराबर 361। तो अब देखो ये प्लस में 121 है, इसको यहीं रखूँगा, इसको इधर भेजूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये 361 तो यहीं रहेगा, ठीक है, और ये 121 इधर आएगा, तो माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा 121, और जब हम इसको घटाएंगे तो उत्तर आएगा 240। उत्तर कितना आएगा, 240, एक में से एक गया जीरो, छः में से दो गए चार, तीन में से एक गया दो वर्ग सेंटीमीटर, यानी जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा घनाभ का वो कितना आएगा, 240 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमारा उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न है, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो प्रश्न में क्या है कि मान लो हमारे पास में ये एक घनाभ है, ठीक है, इस प्रकार से, अब जो ये फर्श है ये वाला भाग, ठीक है, ये जो फर्श है ये वर्गाकार है, ठीक है, और जो है इसमें हमें 6 मीटर इसकी भुजा दी हुई, यानी ये ए हो गई भुजा, वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और वर्ग में हम जानते हैं कि इसकी सारी भुजाएं समान होती है, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6, तीनों 6 हो गई, लेकिन इसकी ऊंचाई हमें जो है वो ज्ञात करनी है, ये अलग होगी, तब जाके ये घनाभ बनेगा। घनाभ कब बनता है कि दो भुजा समान होगी तो भी चलेगी, लेकिन तीसरी अलग होनी चाहिए, और तीनों भुजाएँ समान हो गई तो वो घन बन जाएगा। अब ये ऊँचाई हमें ज्ञात करनी है और हमें भुजा दे रखी है, और यहाँ पर साफ साफ कह रहा है ये कि फर्श में कमरे में जो है 180 घन मीटर हवा है, घन मीटर यानी कि आयतन, इसके अंदर हवा पूरा जब भरा हुआ होता है इसका मतलब आयतन, ठीक है, तो हम कहेंगे घनाभ का आयतन, हवा भरी हुई है, आयतन वो हमें दे रखा है 180 घन मीटर, घन मीटर कमरा है तो मीटर में आएगा, ठीक है। अब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो घनाभ के जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और आयतन का सूत्र लगाया यहाँ पर कितना है 180। लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी 6 और 6 भुजा, क्योंकि नीचे वर्ग है ऊपर एच कुछ भी हो सकता है, तो 6 हो गया लंबाई, चौड़ाई भी होगी 6, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई की जगह एच रख दो 180, एच यहीं रहेगा और ये दोनों नीचे जाएंगे, गुणे में है तो बराबर किस तरह भाग में आ जाएंगे, तो 180 बट्टा 6 इंटू 6। अब देखो 6 के पार इसका टका, 6 एकम 6, 6 त्रिया 18, 6 एकम 6, 6 5 34, तो एच बराबर जो है वो आया 5 मीटर, ये आपका आंसर।